तो पहले मैं लॉगिन कर लेता हूँ अपने कंप्यूटर के अंदर इस तरह से। तो पहले हमने जो वीडियो के अंदर मैंने पासवर्ड चेंज किया था वही पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा मुझे। ओके, तो पहले यहाँ पर मैं सिंपल सा कोई पासवर्ड रख लेता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर एक्सेस जल्दी मिले यहाँ पर। ओके, तो यूज़र के अंदर में जाऊंगा यहाँ पर, क्योंकि हमने पिछली वीडियो के अंदर हमने एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट जो हमारा मेन अकाउंट है उसका हमने पासवर्ड चेंज किया था। ओके, तो कोई मैं पासवर्ड रखता नहीं, सिंपल यहाँ पर ब्लैंक छोड़ देता हूँ यहाँ पर, राइट क्लिक करूँगा यहाँ पर और तो बाद में बात करूँगा। तो अकाउंट लॉकआउट पॉलिसीज क्या होती है? तो अकाउंट लॉकआउट पॉलिसीज वो होती है जो हमारे अकाउंट जब हम लॉग आउट कर लेते या फिर हम साइन आउट कर लेते तो तब क्या होगा, हमारे कौन सी इन्फॉर्मेशन मिलती है यहाँ पर, कौन सी सिक्योरिटी मिलती है। तो अकाउंट लॉकआउट ड्यूरेशन दे सकते हैं यहाँ पर। तो अकाउंट लॉकआउट के अंदर में जैसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हमें एक्टिवेट नहीं मिलता यहाँ पर, ये जो कह रहा है कि 9099 ये जो ड्यूरेशन देता है, टाइमिंग ड्यूरेशन देता है यहाँ पर, लेकिन ये जो ड्यूरेशन है जो टाइमिंग है वो मिनट के अंदर है, तो 99999 बता रहा है यहाँ पर। ओके, तो ये जो पॉलिसीज है यहाँ पर इसको पर डबल क्लिक करोगे तो ये एक्टिवेट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो ये पॉलिसीज है यहाँ पर अकाउंट लॉकआउट थ्रेशोल्ड के ऊपर डिपेंड है यहाँ पर। तो जैसे जैसे देखिए यहाँ पर कोई भी हमें ये जो है यहाँ पर एक्टिवेट नहीं है यहाँ पर ये ऑप्शंस, तो ये ऑप्शंस कैसे एक्टिवेट होती है यहाँ पर, चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर किस तरह से होता है। तो यहाँ पर जैसे देखते हो कि यहाँ पर हमारा कंप्यूटर जो है वो लॉकआउट होने के बाद यहाँ पर जैसे देखते हो कि अगर मैं कितने पासवर्ड एंटर करता हूँ गलत यहाँ पर, जैसे कि मान लो कि मैं कोई पासवर्ड एंटर कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने पासवर्ड एंटर किया नहीं है यहाँ पर, क्योंकि पहले पासवर्ड में एंटर कर लेता हूँ अपना। ओके, और पॉसिबल पर क्लिक करता हूँ, मैं दो अक्षर का कोई पासवर्ड एंटर कर लेता हूँ यहाँ पर। ओके, तो ये
मेरा कंप्यूटर के अंदर ये जो यूज़र है मेरा एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट का, ये पासवर्ड एंटर हो चुका है यहाँ पर। ओके, तो बात कर लेते हैं यहाँ पर पॉलिसीज़ के बारे में। तो पॉलिसीज़ क्या कहती है यहाँ पर, तो अगर मैं 3 बार कोई या 4 बार जितनी बार मैं यहाँ पर जो इंटर करूँगा नंबर, तो वो क्या होगा, तो अकाउंट लॉकआउट, ये जो इनवैलिड लॉगिन अटेम्प्ट्स होती हैं यहाँ पर। तो अटेम्प्ट्स का मतलब होता है कि आपने कुछ कोशिश की है यहाँ पर अकाउंट को एक्सेस करने की। तो मान लो कि मैंने छोटा सा ये मेरा कंप्यूटर लॉक है और मेरी पॉलिसी ऑन है, तो 2 बार या 3 बार मैंने कंप्यूटर के अंदर पासवर्ड गलत एंटर किया, तो क्या होना चाहिए मेरे कंप्यूटर के अंदर, क्या सिक्योरिटी होनी चाहिए यहाँ पर। तो ये पॉलिसीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बड़ी बड़ी कंपनीज़ के अंदर ये, तो फिर मिडल कंपनी या तो कोई भी कंपनी हो, ये पॉलिसीज़ उनको रखनी ही चाहिए। यहाँ पर ज़्यादातर गूगल कंपनी रखती है, यहाँ पर एटीएम के अंदर भी होती है। तो अगर आपने एटीएम को ध्यान से देखा होगा तो जो पिन नंबर होता है वो कुछ ना कुछ टाइमिंग के अंदर होता है यहाँ पर, तो वो पिन एंटर नहीं करते तो वो फिर से आपको प्रोसेस करनी पड़ती है। उसी तरह से बैंक के अंदर आप जाओगे तो बैंक के अंदर भी आपको टाइमिंग होती है यहाँ पर। तो गूगल के अंदर भी यहाँ पर कुछ ऐसी एप्लीकेशन होती है जो टाइमिंग अंदर होती है यहाँ पर। तो 3 लिखता हूँ यहाँ पर। अब वो मुझे कह रहा हो कि मुझे कह रहा है जो अभी ये जो विंडो के अंदर, तो जो पहली वाली जो हमारी जो इनएक्टिव जो पॉलिसीज थी वो एक्टिवेट हो चुकी है यहाँ पर, 30 मिनट लिखा होगा यहाँ पर, और लास्ट वाली भी यहाँ पर एक्टिवेट होगी यहाँ पर। तो क्या है वो पॉलिसीज, मैं 3 क्यों लिखा, तो मतलब ये है कि 3 बार मैंने पॉलिसीज के अंदर मैं ट्राई किया, मैंने अकाउंट को ओपन करने के लिए पासवर्ड एंटर किया, तो 30 मिनट के अंदर ये लॉक हो जाना चाहिए 30 मिनट तक। तब तक ये जो पॉलिसीज जो है वो उसका काम करती रहेगी, मतलब 30 मिनट तक अब मैं सब सही पासवर्ड भी डालूंगा तब भी ये अकाउंट ओपन नहीं होगा, मतलब 30 मिनट तक मुझे वेट करना ही होगा। तो मैं सिर्फ इसके 30 मिनट नहीं बताऊँगा क्योंकि टाइमिंग हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं सिर्फ 1 मिनट एंटर करूँगा यहाँ पर। ओके, तो बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती है, जो हमारी जो सिस्टम होती है, ओके, तो कोई हमारा जो फ्रेंड होता है या फिर कोई ऐसा हैकर भी हो सकता है हमारे आसपास जो हमारे अकाउंट को एक्सेस करने के लिए पासवर्ड एंटर करता है, तो उसने 3 बार मान लो गलत पासवर्ड एंटर किया और यहाँ पर मैंने सेट की है पॉलिसीज, तो वो पॉलिसी यहाँ पर इम्प्लीमेंट होगी। तो 1 मिनट में देता हूँ यहाँ पर, देख सकते कि रिसेट अकाउंट लॉकआउट कंप्यूटर 2 जो लास्ट वाली अभी ये तीसरे थर्ड नंबर की ये पॉलिसी से वो ऑटोमेटिकली 1 मिनट सेट कर लेगा यहाँ पर। तो ओके करता हूँ, देख सकते हो कि यहाँ पर लास्ट वाली भी ये पहली वाली है और ये लास्ट वाली भी यहाँ पर 1 मिनट सेट करेगी। तो रिसेट अकाउंट क्या होती है, तो आप अपने अकाउंट को रिसेट कर सकते हो, मतलब पॉलिसीज के थ्रू अगर आप चाहते हो कि 1 मिनट के अंदर आपको पासवर्ड नया एंटर करना है तो आप एंटर कर सकते हो यहाँ पर, या तो फिर आप पुराना वाले अकाउंट से भी, अकाउंट के पासवर्ड से ही आपको लॉगिन करना होता है बेसिकली। तो इस पॉलिसीज को मैं इम्प्लीमेंट करने के लिए, इसको यूज़ करने के लिए जीपी अपडेट फॉरवर्ड स्लैश फोर्स एंटर करूँगा। फॉरवर्ड स्लैश फोर्स मैंने आपको बता दिया था पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो के अंदर। तो फॉरवर्ड स्लैश कम हम यूज़ करते क्यों यूज़ करते हैं हम, क्योंकि हमें अकाउंट जो होता है कंप्यूटर जो रिस्टार्ट मुझे नहीं करना है, लेकिन आपको जीपी अपडेट तो लिखना ही पड़ेगा। यहाँ पर हमारी पॉलिसी अपडेट हो चुकी है, सक्सेस हो चुकी है यहाँ पर हमारी कंप्यूटर के अंदर पॉलिसीज। अब मैं आपको कोशिश करके बताता हूँ कि क्या होता है यहाँ पर, वो किस तरह से हमें एरर देता है यहाँ पर, लॉगिन होने देता है या नहीं देता है। तो मैं लॉक कर दिया मैंने कंप्यूटर को यहाँ पर, या तो फिर आप लॉक करोगे तो आपकी ये पॉलिसीज आपकी पर जो होती है वो लोड नहीं होगी, मतलब आपका जो ये पॉलिसी जो अकाउंट जो है वो यहाँ पर देख सकते हो कि मैं फिर से यहाँ पर एंटर करता हूँ, दूसरी बार एंटर करता हूँ ये नंबर कोई भी यहाँ पर अलग तरीके से, क्योंकि आपको पता है कि मैं 2 तरह का करेक्टर इस्तेमाल किया है यहाँ पर, लेकिन आपको हमेशा कॉम्प्लेक्स पासवर्ड ही रखना है। तो अभी तो ये नहीं होगा क्योंकि मैंने साइन आउट नहीं किया, हमने जो पॉलिसीज को रिलोड नहीं किया है यहाँ पर। ओके, तो मैं जैसे ही मैं रिलोड कर दूँगा, क्योंकि अकाउंट के ऊपर यहाँ पर है, तो अकाउंट पर जो पॉलिसीज होती है यहाँ पर वो हमें जो पॉलिसीज इंटर करनी होती है वो अकाउंट के थ्रू ही होगी, क्योंकि अकाउंट जो होता है वो बेसिकली बाहर से हमें एक्सेस मिलता है यहाँ पर, फिर बाद में हम कंप्यूटर के अंदर एक्सेस करते हैं। साइन आउट करूँगा पहले मुझे ये पॉलिसीज अपडेट होने के बाद, अब ये लोड होगा यहाँ पर।
मैं यहाँ पर पहली बार एंटर किया, दूसरी बार पासवर्ड एंटर करने जा रहा हूँ तो भी इनकरेक्ट बोल रहा है वो, क्योंकि तीसरी बार जैसे पासवर्ड एंटर करूँगा तो मुझे यहाँ पर एक एरर दे गया यहाँ पर, ओके जो मुझे मिलनी चाहिए यहाँ पर। देख सकते हो कि यहाँ पर वो कह रहा है कि अब आप इस यहाँ पर लॉकआउट में नॉट बी लॉगिंग ऑन टू, तो अब मुझे एक मिनट तक हमें वेट करनी होगी और एक मिनट के बाद ही ये अकाउंट ओपन करने के लिए मुझे वो टेक्स्ट बॉक्स देगा यहाँ पर, ओके। तो मैं एक मिनट में वेट कर लेता हूँ, तब तक मैं अपनी वीडियो को पॉज कर लेता हूँ यहाँ पर। तो हमारा एक मिनट पूरा होने के बाद है यहाँ पर, तो इस तरह से हमें जो बड़ी कंपनी होती है वो कम से कम 30 मिनट रखती है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो टेक्स्ट बॉक्स है वो फिर से एक मिनट के बाद आ चुका है यहाँ पर। यहाँ पर तो इससे अब मैं क्या कर सकता हूँ, अपना पासवर्ड जो पुराना वाला है वही से लॉगिन करूँगा यहाँ पर, हमें न्यू पासवर्ड एंटर करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हमारा जो ये पॉलिसीज है वो पॉलिसी सिर्फ यहाँ पर अकाउंट लॉगआउट मतलब हमें लॉकआउट मतलब यहाँ पर जो लॉक करने के बाद जो हम साइन आउट करते हैं या तो फिर साइन इन या लॉकआउट कर लेते हैं, तो उस टाइम आपका यहाँ पर जो पॉलिसी का टेक्स्ट बुक या पासवर्ड इसका फीचर उसको मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। तो कुछ लोग हमारे पासवर्ड को एक्सेस करने के लिए गेस्ट कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि बर्थ डेट या तो फिर आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, कुछ भी यहाँ पर 3 बार टाइप गलत करेंगे तो 4थी बार आपका अकाउंट लॉक हो जाएगा और यहाँ पर बहुत ही आपका अकाउंट सेफ हो जाएगा, मतलब वो आपको पासवर्ड एंटर करने का ये टेक्स्ट बॉक्स उसको मिलेगा ही नहीं। तो बड़ी बड़ी कंपनी क्या होती है, क्या करती है कि ऐसी जो सिस्टम जो होती है वहाँ पर डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ऐसे अकाउंट के अंदर क्या करती है कि मिनिमम जो 45 टाइम तो होता है यहाँ पर, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग 3 घंटे या 2 घंटे तो रखते ही यहाँ पर। तो जो लॉक हो जाएगा यहाँ पर गलत, जो सही यूज़र है जो कंप्यूटर को यूज़ करने वाला जो यूज़र होता है उसे तो पता होता है यहाँ पर कि ये जो पासवर्ड है वही पासवर्ड है जो यूज़ करता है यहाँ पर, लेकिन उससे वो लॉक नहीं होगा क्योंकि उसके अलावा कोई 3 बार ये जो एक्सेस करने की कोशिश करेगा, 3 बार के बाद 4थी बार उसको ये जो टेक्स्ट बॉक्स नहीं मिलता है यहाँ पर, ये पॉलिसी का यहाँ पर बेनिफिट होता है यहाँ पर। और ये पॉलिसी हमें सिक्योरिटी देती है एक्सेस अकाउंट जल्दी ना देने की यहाँ पर। तो यही वो सिस्टम होती है जो बेसिकली हमारा कंप्यूटर को ये एक स्पेशल हमारा कंप्यूटर जो होता है वो सेफ रहता है यहाँ पर। तो अकाउंट की यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं अपने कंप्यूटर के अंदर एक मिनट के बाद यहाँ पर एंटर करने जा रहा हूँ यहाँ पर, तो ओपन हो गया मेरा अकाउंट, मेरा कंप्यूटर एक्सेस कर रहा हूँ यहाँ पर, ओके। तो ये जो पॉलिसीज हैं यहाँ पर सिर्फ लोकल अकाउंट के ऊपर नहीं, एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट के ऊपर भी लागू होते हैं यहाँ पर, ओके। तो आप यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट को आप यूज़ करना चाहते हो तो आप ये भी यहाँ पर अकाउंट यहाँ पर इस तरह से। तो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि यहाँ पर और भी यहाँ पर gpd.msc करके बताऊँगा कि नेक्स्ट वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं। तो मैंने आपको समझा दिया कि अकाउंट लॉगआउट पॉलिसीज क्या होती हैं यहाँ पर। तो सिक्योरिटी सेटिंग्स के अंदर, अकाउंट पॉलिसीज के अंदर अब हम सीखने जा रहे हैं नेक्स्ट कुछ, हमें जो हमारे सिस्टम के अंदर अकाउंट लॉकआउट पॉलिसी हमको पता चल गया। तो पहले मैं इसको क्या कर लेता हूँ कि जो था सेटिंग डिफ़ॉल्ट, क्योंकि मुझे इसको चेंजिंग नहीं करना, मुझे से आपको बताना था, तो मैं 0 कर देता हूँ। दूसरे 2 ऑटोमेटिकली पॉलिसीज डिसेबल हो जाए क्योंकि उनके ऊपर ये 2 पॉलिसीज है। तो पॉलिसीज के अंदर चेंज करने के लिए मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करूँगा और यहाँ पर मैं इसको फिर से अपडेट कर लूँगा। तो नेक्स्ट हम वीडियो में सीखेंगे कि लोकल पॉलिसीज क्या होती है यहाँ पर, ओके। तो पॉलिसीज को अपडेट करने के लिए gp अपडेट लिखूँगा, लेकिन मुझे यहाँ पर स्टार्ट नहीं करना है कंप्यूटर को, फॉरवर्ड स्लैश फोर्स लिखूँगा, मेरी पॉलिसीज अपडेट हो रही है यहाँ पर हमारे कंप्यूटर की। तो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि लोकल पॉलिसीज के अंदर कितने टाइप की पॉलिसीज होती हैं यहाँ पर। तो पॉलिसी से आप अपना कंप्यूटर को और सेव कर सकते हो, ओके। तो थैंक्स टू वॉचिंग माई वीडियो, मेरी हर वीडियो जो है यहाँ पर पार्ट वाइज होती है, तो पार्ट 6 के अंदर सीखेंगे लोकल सिक्योरिटी पॉलिसीज के अंदर सभी पॉलिसीज के बारे में बताऊँगा यहाँ पर, ओके। तो ऑडिट पॉलिसीज क्या होती है, क्या यूज़ होता है, क्या सक्सेस होता है, क्या फेलियर होता है यहाँ पर। तो थैंक्स टू वॉचिंग माई वीडियो।
तो फ्रेंड्स ये मेरे सोशल कॉज एंड एंटरटेनमेंट चैनल है ये, और इस चैनल के अंदर आपको सब्सक्राइब कर क्लिक कीजिए, और यहाँ पर सब्सक्राइब कर क्लिक करने से आपका जीमेल आईडी के अंदर आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा जो भी मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा, और बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा आपके अकाउंट के ऊपर आपका जो यूट्यूब का जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, जो भी आपका मोबाइल के अंदर आप यूट्यूब चला रहे हो या तो फिर आपको ब्राउज़र वाइज आप यूट्यूब चला रहे हो तो भी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। मैं तरह तरह की वीडियो यहाँ पर अपलोड करता रहता हूँ, फिर हर एक टाइम के अंदर आपको बताता रहेगा कि कौन कौन से आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। यहाँ पर प्लेलिस्ट है, तो प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर मेरी सारी प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। ये कंट्रोल पैनल की सीरीज़ की प्लेलिस्ट है, तो मैं कहूँगा कि ये सारी पार्ट वाइज है, तो पहले पार्ट वाइज ही ये वीडियो देखे तभी आपको पता चलेगा। और यहाँ पर दूसरी प्लेलिस्ट है यहाँ पर विंडोज़ की, तो विंडोज़ 10 के अंदर कौन कौन से सेटिंग्स है, तो ये भी प्लेलिस्ट है। तो सब्सक्राइब पर क्लिक करने से और बेल आइकॉन पर क्लिक करने से आपको चला तो नोटिफिकेशन मिलेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।